दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इंसानों के कपड़ों और बाकी चीजों के आर पार देख सकते हो। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में डॉक्टर जेम्स जेवियर के साथ। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर जेम्स जेवियर को दिखाते हुए होती है। वो यहाँ पर अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए अपने एक दोस्त के पास आए होते हैं। यहाँ पर जेम्स का दोस्त उनसे कहता है कि तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए क्यों आ जाते हो, जिस पर जेम्स कहता है कि ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक हैं या नहीं। जिस पर आंखों का डॉक्टर जेम्स से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या तुम अपनी आंखों पर कोई प्रयोग कर रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स पहुंचती है। वो जेम्स से पूछती है कि तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि जैसा कि तुमने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस हमारी आंखों में आता है, इससे हमें कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और उन वस्तुओं को भी देख सके जो कि प्रकाश से परे हों, जो कि नॉर्मल आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं है, और मेरे इस प्रयोग से इंसानी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगी। अब जो डॉक्टर फेयरफैक्स थी वो यहाँ पर एक फाउंडेशन की तरफ से आई थी, जिस फाउंडेशन से जेम्स को उसके प्रयोग के लिए फंड मिल रहा था, और वो यहाँ पर बस ये चेक करने के लिए आई थी कि डॉक्टर जेम्स की रिसर्च उनकी फाउंडेशन के लिए कामयाब है भी या नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स उसे अपने रिसर्च का एक नमूना दिखाते हैं। वो यहाँ पर एक बंदर को पकड़ते हैं और खुद से बनाया हुआ एक केमिकल उसकी आंखों में डालते हैं, और इस दवाई की वजह से उस बंदर की आंखें काफी तेज हो जाती हैं। इसके बाद उस बंदर को पिंजरे में डाला जाता है। यहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं और उस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी रंग के बल्ब के बटन को दबाता है, जबकि डॉक्टर फेयरफॉक्स ने कलर बोर्ड के सामने एक शीट लगा दी थी। लेकिन उस बंदर की आंखें उस शीट के भी आर पार देख पा रही थी, यानी कि उस बंदर के पास अब एक्सरे विजन आ गया था, और ये सारा कमाल डॉक्टर जेम्स की रिसर्च की वजह से ही था। अब ये देखकर डॉक्टर फेयरफॉक्स काफी खुश होती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफॉक्स पूछती है कि इस बंदर को तो कुछ नहीं होगा, जिस पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि नहीं, उस बंदर के सारे आई टिश्यूज एकदम ठीक हैं। लेकिन वो बंदर मर जाता है क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि वो चीजों के आर पार के देखने की शक्ति को सह नहीं पाया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर फेयरफॉक्स डॉक्टर जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश होती है और आगे भी काम जारी रखने के लिए कहती हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त डॉक्टर सैम के पास जाते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे हेल्प मांगते हैं। लेकिन डॉक्टर सैम उससे साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर जेम्स किसी तरह से डॉक्टर सैम को मना लेते हैं और इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में जुट जाते हैं। और अब डॉक्टर जेम्स उस केमिकल को खुद की आंखों में ही डालते हैं और इस केमिकल का प्रयोग पहली बार किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर सैम उस केमिकल को डॉक्टर जेम्स की आंखों में डालते हैं, डॉक्टर जेम्स को टेबल के पार रखी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। और अब डॉक्टर जेम्स को भी एक्सरे विजन मिल चुका था। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स फाइल के नीचे रखे पेपर को भी देख पा रहे थे और वो उसे डॉक्टर सैमुअल को पढ़कर भी सुनाते हैं, और ये देखकर डॉक्टर सैम भी काफी हैरान रह जाता है कि अभी ये कैसे हो गया। यहाँ पर वो डॉक्टर सैम से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर शर्ट की जेब में भी पेन है, क्योंकि जेम्स उसे साफ साफ देख पा रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और केमिकल की बूंदें अपनी आंखों में डालते हैं और अब डॉक्टर जेम्स को अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखने लगती हैं। लेकिन ऐसा करना उसके लिए गलत साबित होता है, वो बेहोश हो जाता है। खैर अब एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातों को बोर्ड मेंबर सुनते हैं और यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी होती है। यहाँ पर बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर जेम्स का एक्सपेरिमेंट तो ठीक से नहीं हुआ और इसीलिए वो डॉक्टर जेम्स को दिए जाने वाले फंड को रोक देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर को समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और फंड ना देने पर ही सभी की सहमति हो जाती है। अब इसके बाद हमें डॉक्टर वैनसन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर जेम्स से आकर मिलते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि यार आज मेरी एक सर्जरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट के डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करो। खैर अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स उस पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं और अभी भी उनकी आंखों में एक्सरे विजन होता है और इसी वजह से वो उस पेशेंट के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि इस पेशेंट का डायग्नोसिस गलत किया गया है। अब ये बात जेम्स डॉक्टर वैंसल को भी बताते हैं, लेकिन डॉक्टर वैंसल जेम्स की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और अब वो उन्हें सर्जरी के टाइम खुद के साथ रहने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलते हैं, वो उन्हें एक पार्टी में ले जाती है। अब यहाँ पर ड्रिंक कर लेने के बाद डॉक्टर जेम्स की एक्सरे विजन वापस आ जाती है और इसी वजह से वो यहाँ पार्टी में सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख पा रहे थे, और ये देखकर डॉक्टर जेम्स मन ही मन काफी मजा लेता है। वो यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स को उसके वर्थमार्क के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स शर्मा जाती है
वो समझ जाती है कि डॉक्टर जेम्स उसे उसके कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा है। खैर अब इसके बाद शाम हो जाती है और डॉक्टर जेम्स को हॉस्पिटल सर्जरी के लिए जाना था और वो अपनी आंखों में फिर से वही केमिकल लगाकर जाता है। और सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स हेड सर्जन होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल को सर्जरी करने से रोकता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इस पेशेंट को ट्यूमर है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर वेंसल उसकी बात नहीं मानते और इसलिए डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल का हाथ काट देते हैं और इसलिए वेंसल अब ऑपरेशन नहीं कर सकता था। जेम्स कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर वेंसल उसकी बात मान जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स सर्जरी स्टार्ट करते हैं और उन्हें उस पेशेंट के अंदर उसके सारे बॉडी पार्ट्स आसानी से नजर आ रहे थे और वो बड़ी ही आसानी से ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर वेंसल जेम्स से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, नौकरी चली जाएगी तेरी। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मुझे सर दर्द हो रहा है, और इसलिए डॉक्टर फेयरफैक्स उसे यहाँ से ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर जेम्स को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स अपने आप से बाहर जा रहे थे, उन्हें हर चीज एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। यहाँ पर डॉक्टर सैम उससे कहते हैं कि तुम ये जो भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे दिमाग से भी कनेक्ट हो रहा है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो देख पा रहा हूँ जो कि इंसानी आंखें कभी भी देख नहीं सकती। यहाँ पर डॉक्टर सैम उनसे कहता है कि तुम मेरी बात को समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर इस दवाई का कोई बुरा असर पड़े, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन अब डॉक्टर जेम्स के सर पर पागलपन सवार हो गया था, वो ये करवाने के लिए नहीं मानता। और यहाँ पर इसी छीना झपटी में डॉक्टर जेम्स खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को काफी बुरा लगता है, क्योंकि इन सब में उनकी भी गलती नहीं थी। खैर अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है। डॉक्टर फेयरफैक्स जेम्स से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उन्हें जानबूझकर नहीं गिराया, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेगी और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर वेंसल के साथ की थी उसके बाद सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे। ये सुनकर डॉक्टर जेम्स हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर के मरने की न्यूज अखबार में आ जाती है। डॉक्टर जेम्स छुपते हुए एक मेले में पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर जादू दिखा रहे होते हैं और कुछ लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर लोगों के द्वारा लिखे हुए लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और ये जादू दिखाकर डॉक्टर जेम्स और उनके साथ काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है, वो काफी पैसे कमाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ने अपनी पहचान छिपा रखी होती है। वो यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर मेंटलो बताया करते थे, जो कि लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब जो लोग डॉक्टर जेम्स के साथ काम किया करते थे उनमें से एक आदमी जिसका नाम क्रेन होता है, वो जेम्स से कहता है कि यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम हमें भी ये जादू सिखा दो। लेकिन डॉक्टर जेम्स क्रेन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो टैप रिकॉर्डर ऑन करके अपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में बात करता है, लेकिन क्रेन खिड़की से ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर जेम्स के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स के पास कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, बल्कि सच में उसके पास कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन तभी डॉक्टर जेम्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो इनसे कहते हैं कि नहीं यार, मैं सिर्फ आम इंसान हूँ और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्रेन को लग रहा था कि ये झूठ कह रहा है। खैर अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसी मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो यहाँ पर काफी घायल हो चुकी थी, वो बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर डॉक्टर जेम्स भी पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर अपने एक्सरे विजन से देख लेते हैं कि इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और इसीलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा मंगाकर इस लड़की के पैरों पर बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे पता कि उस लड़की के पैर की ही हड्डियां टूटी हैं। और तभी डॉक्टर जेम्स के साथ काम करने वाला क्रेन यहाँ पर पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, और जो तुम्हारे पास शक्ति है वो सच में एक रहस्यमय शक्ति है, और मैंने तुम्हारी शक्ति अभी देख ली कि तुमने कैसे उस लड़की की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। वो यहाँ पर आइडिया देता है कि हम लोग शहर में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे, और इस तरह से हम पैसे वाले हो जाएंगे भाई। अब मेंटलो भी इस बात के लिए मान जाता है और वो शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। खैर अब डॉक्टर जेम्स मरीजों को देखना शुरू कर देते हैं और वो अपने एक्सरे विजन से देखकर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो ठीक कैसे होगी। अब यहाँ पर लोगों के लिए तो ये भगवान के समान बन चुका था, और इसीलिए डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे।
और अब डॉक्टर जेम्स हीलर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इसके बाद हमें फेयरफैक्स को दिखाया जाता है, जिसे पता लग जाता है कि डॉक्टर मेंटलो ही डॉक्टर जेम्स हैं। अब इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए जाती है तो पाती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आए हुए थे। जब फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स से मिलती है तो जेम्स उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नजर आता है, और अब मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर फेयरफैक्स कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, और तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर मेंटलो का साथी क्रेन सुन लेता है, लेकिन वो यहाँ पर जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे अभी और पैसा कमाना है, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स जेवियर हो। तुम तो एक खूनी निकले, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और अब डॉक्टर जेम्स वहां से भाग जाता है और क्रेन पीछे से सभी को बताने लगता है कि ये कोई भी हीलर नहीं है बल्कि हत्या किया हुआ एक किलर है। खैर, अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स यहाँ से भाग जाते हैं। कार में डॉक्टर जेम्स देखते हैं कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जेम्स यहाँ पर चाहते हैं कि वो अपनी इस पावर को कंट्रोल कर सकें। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, और ये भी कि इतना सारा पैसा मिल कहाँ सकता है। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स लास वेगास एक कैसीनो में जाते हैं। वो यहाँ पर फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालते हैं और अपनी इस पावर से जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर जेम्स पर शक होने लगता है। वो यहाँ पर अपने साथ पुलिस को ले आता है और डॉक्टर जेम्स से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा जीत गए हो। आज तक का रिकॉर्ड रहा है एक ही रात में किसी ने भी इतना पैसा नहीं जीता है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले से टकराकर उनका चश्मा नीचे गिर जाता है और उनकी भयानक आंखें सभी को दिख जाती हैं। डॉक्टर जेम्स की आंखों का कलर बदल चुका था और उन्हें यहाँ पर इंसानों की जगह सिर्फ उनके कंकाल ही नजर आ रहे थे। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि इसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर जेम्स अपने जीते हुए पैसों को वहां पर उड़ाकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि सभी लोग उन पैसों को उठाने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और अब पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है, और इसी वजह से डॉक्टर जेम्स की कार खाई में गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर जेम्स की जान बच जाती है, उन्हें सिर्फ मामूली चोटें ही आती हैं। अब इसके बाद जेम्स चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है। वहां पर फादर लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ पर फादर जेम्स से कहता है कि क्या तुमने कोई पाप किया है, गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। जेम्स कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है। अब जेम्स पृथ्वी के केंद्र को भी देख पा रहा था। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स और पुलिस भी पहुंच जाती है। यहाँ पर पादरी उससे कहता है कि तुमने पाप और शैतान को देखा है, मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है अगर तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है तो उन्हें निकाल फेंको। जेम्स भी ऐसा ही करता है, वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी पावर मिल जाए तो आप उसका किस तरह से यूज करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।